जाओ, ये रहा हमारा नया घर। अरे वाह, कितना बड़ा, कितना खूबसूरत घर है। ये देखो, ये एसी है, एसी अलमारी मत समझना, एसी है। अरे इम्तियाज, इतना बड़ा बावर्ची खाना, पंखा भी लगा है। इतना बड़ा तो हमारा पिछले घर में कमरा नहीं था। और क्या, उफ, पर्दे देखो कितने हसीन। कैसा लगा? अब्बा ये सौदा कैंसिल कर दें, हम यहाँ शिफ्ट नहीं होंगे। क्यों क्यों नहीं शिफ्ट हो सकते? इतनी मुश्किल से घर लिया है, पैसे कम पड़ गए थे, कर्ज उठाया, वो कर्ज उतारना है। मगर आप सौदा करने से पहले ये घर मुझे दिखा तो देते अब्बा, मैं ख्वाब में। काश, खुदा का वास्ता है, अपने ख्वाबों को मेरे ख्वाबों के दरमियान मत लेके आओ। ना शुक्रे लोग हो तुम, कुछ भी कर लो खुश नहीं होते भाई। अम्मा कहाँ गई? माँ, ऊपर कमरे हैं तुम लोगों के, जिसने पहले हाथ लगा दिया जिस कमरे को उसका हो गया। वजदान, ड्राइंग रूम देख, माँ बैठ, में आ रहा हूं, जरा अम्मा से मिलके आ रहा हूं। है? बैठ। इरा, इरा। ना बड़ा घर है, और ये तस्वीर देखिए, इसे तस्वीर नहीं पेंटिंग कहते। अच्छा अच्छा, पेंटिंग ही सही। इम्तियाज बता रहे थे कि इस घर में लगी हुई है तस्वीरें और सारी हमारी। टीवी देखे, वाह कितना बड़ा टीवी है। भाभी हाँ, ये कमरा ना सबसे बड़ा है, ये आपके लिए बेहतरीन रहेगा। बाथरूम ना हमारे कमरों से बड़े हैं इसके। मैं फिर अपना सिलेक्ट कर लूं। कमरा ठीक है, यही रखूंगी मैं अपना कमरा। हाँ माँ, कैसा लगा घर? हाँ बहुत अच्छा है। अरे ये घर तो फयाज के घर से भी आलीशान और बड़ा है। बड़ा है ना। अब ये कमरा इम्तियाज, ये कमरा अब मेरा हुआ बस। हाँ तो रखो, ठीक है। हाँ, और अम्मा इस घर में एसी भी लगवाया है तेरे लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं जरा ऊपर जा रहा हूँ, और भी कमरे देखूँ जरा। आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ। ये रहा मेरी बेटी का कमरा, कश्फ बीबी का कमरा। बस आस्ताने से सीधा तुमने अपने कमरे में आना है, और खूब सोना है बेटा, जी भर के सोना है, ज्यादा से ज्यादा सोना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ख्वाब देख सको और हम इससे भी बड़ा घर ले सके। ये देखो एसी, एसी लगवाया है तुम्हारे लिए, इसको देखो, इतना इतना नर्म बिस्तर, सुकून से सोना है मेरी बेटी ने, ठीक है? शाबाश शाबाश। क्या बताऊं, इम्तियाज भाई ने तो इतना बड़ा घर ले लिया है ना कि दिल खुश हो गया। बहुत पैसा खर्च किया इम्तियाज भाई ने। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो भाई, अब तो बड़े घर वाली हो गई तुम। तुम्हें भी अभी बारात लेके इसी घर में आना होगा। अच्छा सुनो, इम्तियाज भाई ने ना गाड़ी भी ले ली है, अब कश का आना जाना भी उस गाड़ी में होता है। मेरे मालिक, मुझे माफ करना, जो कुछ हो रहा है वो मेरे बस में नहीं है। बस ये घर हमें रास आ जाए, इरम की शादी खैरियत से हो जाए, वजदान अपने हक में बेहतर फैसला कर ले, बस यही चाहती हूँ। बाकी जो हम सबके हक में बेहतर हो, हमें वही अदा करना। आमीन।
कश बीबी बस अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाली है, मैं गाड़ी पे अपने साथ ही लेके आ रहा हूँ, खुद ड्राइव कर रहा हूँ। इम्तियाज भाई आप कोई ड्राइवर रख लिया होता? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, इतनी महंगी गाड़ी खरीदी है, ड्राइवर को दे के सत्यानाश करवा लो। चल ठीक है पहुंच रहे हैं बस। ठीक है इम्तियाज भाई, ठीक है ठीक। भाई मैं तो सोच रहा हूँ कि अब गार्ड भी रख लो, जब वापस आ रहे होते हैं आस्ताने से तो पैसे ढेर सारे होते हैं पास, कोई मुखबरी भी कर सकता है। चाचा ने बहुत तेजी से हालात बदलते, तुम तो नहीं बदल जाओगी कहीं? मुझे छोड़ें, आप बताएं कि आपने क्या फैसला किया है। जान मांग लो मुझसे, लेकिन तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगा मैं। वजदान खुदा के लिए सच्चाई कबूल कर ले। कैसी सच्चाई? यही कि तुम्हारा वक्त हालात सब बदल चुके हैं, या फिर मैं माशी तौर पर तुमसे कमजोर हो गया? प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ ये जो सब कुछ हो रहा है, मुझे और परेशान मत करें। मैं परेशान नहीं करना चाह रहा तुम्हें, मैं तुम्हारा गम बांटना चाह रहा हूँ कश। तुमने शादी के बाद आस्ताने पे बैठना है ना, ठीक है मैं मना नहीं करूंगा, तुम्हारा जवाब हाँ में हो या ना में, मैं अभी चचा से बात करता हूँ और उन्हें कहता हूँ उनकी जो भी शर्त होगी मैं मानूंगा।